हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे और मस्त रहो, चिल रहो। चलो आज आपको दिखाता हूँ अपने कुछ डॉग फूड्स वगैरह, कैल्शियम मल्टीविटामिन जो भी मैं फिलहाल देता हूँ अभी, जो भी रिसेंट में भी मेरे पास अवेलेबल है। और डॉग फूड वगैरह मैं चेंज करता रहता हूँ, कभी मैं एक कंपनी का डॉग फूड नहीं खिलाता हूँ अपने डॉग्स को। हर दम अपने डॉग्स को चेंज कर करके खिलाते रहना चाहिए ताकि उनका इंटरेस्ट हर दम खाने में बना रहे। तो अभी फिलहाल आज मैं लेके आया था यार अपना ड्रोल्स का पपी, अपना स्मार्ट हार्ट का पावर पैक जो भी मैंने फिलहाल डब्बे में डाल लिया है। इसके अंदर अपना ड्रोल्स का है, ये अपना पावर पैक है। और आपको दिखाता हूँ क्या क्या मेरे पास अवेलेबल्स रहते हैं। आज क्या लेके आया था, अपना कैल्शियम लेके आया था, ये देख सकते हैं आप, हिमालय का है, 4 बोतल ये लेके आया था। और सेरेलैक्स तो मेरे पास हरदम अवेलेबल रहता है, मतलब ये तो खत्म ही नहीं होने देता हूँ। अभी पपीज फिलहाल अभी तो छोटे हैं, उनसे पहले लाके रखा हुआ था सेरेलैक कभी, क्योंकि मेरे बड़े डॉग्स भी सेरेलैक में देता हूँ, जो मेरे एडल्ट डॉग्स हैं उनको भी सेरेलैक खिलाता हूँ। कभी कभी उनके फीड में डाल देता हूँ 1-2 चम्मच, जिससे उनका थोड़ा फीड चेंज हो जाए, खाने में उनका इंटरेस्ट बना रहे। और बिस्किट्स हैं, ये बिस्किट रखे हुए हैं यहाँ पे, ऊपर बोन स्टिक है इनके टीथ साफ करने के लिए, जो मैं 2-3 दिन में एक बार दे देता हूँ, 3-4 दिन में भी दे देता हूँ, हफ्ते में भी एक बार दे देता हूँ, ऐसा नहीं है कि भैया रोज रोज ही एक दे देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और अपना ये देख रहे हैं स्टिक्स रखे हुए हैं, ये अपना पपीज के लिए, जो छोटे पपीज होते हैं 3-4-5 महीने के, उनको देता हूँ। और अपना कैल्शियम ड्रोल्स का कैल्शियम है, कैल्शियम बोल्स, ये अपने पपीज को देता हूँ, जो मेरे बड़े डॉग्स लासा शिटजू वगैरह एडल्ट, उनको भी मैं ये खिला रहा हूँ। देखो सारे सबकी ना लाइन लग गई, मतलब मैं बोल ही आ रहा हूँ, किसके बारे में बोल रहे बता दो, तो हमको भी दिखा दो थोड़ा सा। ये देखो, ये देखिए सारे मेरे पैरों में आ गए हैं कि भैया हमको भी दिखा दो थोड़ा सा, हम भी इस मार्केट के अंदर। तो आपको फिलहाल, और आज मैंने अपने टैडी की कटिंग भी करी थी, टैडी की कटिंग आपको दिखाता हूँ एक बार, टैडी की कटिंग करी थी, और करी तो पहले भी, आज फिलहाल थोड़ा और चेंज कर दिया उसका लुक, वो आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, वेट कीजिए। ये रहा अपना टैडी बॉय, स्मार्ट बॉय, जो खा के पूरा ऐसा हो गया है हाथी जैसा, और अब देख रहे हैं एकदम छोटा सा लगेगा, और जब इसके हेयर बड़े कर देता हूँ ना, तो पूरा भालू जैसा लगेगा कि इतना कितना बड़ा है। ऐसा कहेंगे भैया कितना बड़ा है, ये सोचो भैया हेयर्स में ही दिखते हैं। और ये पूरा ठोस है, जैसे अमेरिकन बुलिस वगैरह होते हैं ना, इसका जो मसल्स है उस तरीके का बना हुआ पूरा है इसको, जो क्योंकि जो डाइट जो मैं देता हूँ इसको ना, स्टार्टर पपी इस तरीके की डाइट देता हूँ, ये नॉर्मल डाइट नहीं देता हूँ इसको, क्योंकि ये मेरा स्टड है, अगर इसको मैं एक्स्ट्रा सोर्स नहीं दूंगा ना, तो ये बेचारा स्टड भी खत्म हो जाएगा। तो देख रहे हैं फुली पंच फेस का, ये आपके भाई का स्टड। तो सारे डॉग्स ओपन रहते हैं, आपको दिखा दिया क्या क्या यूज करते हैं। और फिलहाल आज मैंने दूसरा अमेज़न से मंगाई थी, ये नया मंगाया है मैंने, बार्क आउट लोड डीवॉर्मर, ये देख रहे हैं दिखाता हूँ, ये डीवॉर्मिंग की है, आज मंगाई है टेबलेट। तो हरदम नया नया यूज करता रहता हूँ मैं, तो इस बार ये करेंगे, कोई भी कंपनी का मंगा लेते, कभी एक कंपनी का मैं प्रॉपर कुछ नहीं खिलाता हूँ, हरदम कभी भी एक कंपनी का नहीं खिलाता हूँ, जो भी मार्केट में आता रहता है सबको यूज करता रहता हूँ, ताकि डॉग का भी मन लगा रहे अलग अलग चीज खाने में। यार इंसान भी खुद एक चीज खाएगा ना तो बीमार हो जाएगा, मन नहीं लगेगा, इसलिए अपने डॉग्स को भी हरदम चेंज कर करके आप खिलाते रहें, डीवॉर्मिंग टैबलेट, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, बहुत से क्या हिमालय का ही क्या लिवर टोनिक देते हैं भैया, दुनिया के बहुत सारे लिवर टोनिक्स आते हैं, वो भी यूज कर लिया कीजिए, ठीक है, तो एक ही लिवर टोनिक मत दिया कीजिए। तो आपको दिखा दिए फिलहाल, मैंने सारी चीज दिखा दी आपको, बेसिकली एक बार और दिखा देता हूँ। तो ये अपने सामान कुछ रखे हुए हैं डॉग्स के, तो इसी तरीके से इनका खाना वगैरह रखा रहता है यहाँ पे, और सब मेरा सामान यहीं पे है, मैं भी यहीं पे बैठता हूँ, ज्यादातर मेरा टाइम यहीं पे निकलता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नॉर्मल तरीके से रखते हैं यार, हरदम ध्यान रखो, एकदम नॉर्मल तरीके से रखो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है डॉग्स को भी। चाहे बहुत से लोग तो क्या लाला बाबू करके रखते हैं, ऐसा नहीं भैया, जितने मेरे डॉग्स है ना सब पैसों से खरीदे हुए डॉग्स है, दुनिया अपना ऐसे रखते है जैसे पता नहीं हीरा वीरा क्या उठा के ले आए है, तो ऐसा नहीं है, डॉग है एनिमल है, तो उसको एक एनिमल की तरीके से अच्छे से रखो। अच्छा मतलब ये नहीं होता है कि उसका जो एक उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना सिर्फ अपने डॉग के अंदर वो पूरी करनी चाहिए, जो उसकी नीड्स है, ठीक है।
और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत हो डॉग से रिगार्डिंग आप बताना, तो कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो अपडेट करने के लिए आपके लिए। चलो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, एक बार सब दिखा देता हूँ आपको। ये बैठे हैं बेचारे मेरे लाइन से मेरे पास ही, देखो टफी है, जैली है, मोली है, चीकू है, सारे हैं बैठे हुए, सब मेरे पास ही बैठे हुए। देख रहे मोली, मोली को बहुत थका दी आज, इसलिए थकेगी नहीं ना तो पूरा उधम मचा के रखती है। हाँ चाटेगी, पूरा मुंह गीला है, दूर रहा अभी मुझसे यार, पूरा मुंह गीला डुबा देती, पूरा मुंह डुबा देगी पानी के अंदर, और गर्मी आएगी तो पूरे टंप के अंदर ही जाके बैठ जाती है। सारे डॉग्स ऐसे हैं। चलो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।